हेलो फ्रेंड, आज मैं अचारी मसाला बनाने जा रही हूँ। तो उसमें देखना है कि क्या क्या डलता है। तो ये केवल मैं प्रतीक मात्र दिखा रही हूँ, क्योंकि सरसों अभी मेरे पास बहुत कम है। तो इसे एक कटोरी देना था, तो अभी आधा कटोरी है, फिर बाद में आधा मिला दूंगी तो ये इसकी मात्रा सही हो जाएगी। एक कटोरी के लगभग धनिया, एक छोटा चम्मच के बराबर काली मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ा सा सौंफ और पीला सरसों है, तो ये आधा कटोरी में दे ही देती हूँ। उसमें थोड़ा अजवाइन भी था। आधा कटोरी के बराबर मेथी, इसे हल्का सा भून लेना है, इसका मॉइस्चर खत्म करना है। थोड़ा सा भून जाएगा तो ये अच्छी खुशबू देगा। कुछ मसाले पीसे हुए भी हैं, पाउडर फॉर्म में है, तो उन्हें भी मैं मिला दूंगी। एक चौथाई कटोरी जीरा, जीरा में कुछ पिसा हुआ भी मिलाऊंगी और लाल मिर्च भी पिसा हुआ मिलाऊंगी, इसीलिए मैंने उन्हें इसमें नहीं मिलाया है। लगातार भूनना है, क्योंकि नीचे जो ज्यादा गर्म हो जाएगा तो वो खराब लगेगा, इसलिए बराबर से इन्हें भूनना है। ये एक तरह से पांच फोरन ही होता है। जितनी चीजें हम पांच फोरन में मिलाते हैं वही अचार में भी दिया जाता है। केवल काली मिर्च नहीं डालते हैं, तो दो चार दाने डाल देती हूँ, थोड़ा अलग सा टेस्ट आएगा। ये अचारी मसाला अगर हम बना लेते हैं घर में तो ये बहुत चीजों में काम देता है। जैसे कभी कभी हम लोग अचारी आलू, अचारी बैगन, अचारी करेले बनाते हैं, तो उसमें अचारी भिंडी बहुत फेमस सब्जी है, तो उसमें आप ये डाल दें तो आपको बिल्कुल अचार का टेस्ट आएगा, एक अलग सा स्वाद आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, और खाने में उसका टेस्ट एकदम दुगुना हो जाता है। इसकी भी खुशबू फैलने लगी है।
लगातार से भुनना है ताकि सभी मसाले अच्छी तरह भुन जाए। ये अच्छी खुशबू फैलने लगी है, अभी से ज्यादा नहीं भुनना है, महका रही है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। इसे प्लेट में निकाल लिया, थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसे मोटा दरदरा पीसना है, बिल्कुल महीन पाउडर नहीं करना है। उसके बाद इसे अचार में डाल सकते हैं। इसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो ये जल्दी ठंडा नहीं होगा और थोड़ा ज़्यादा सिक जाएगा। एक चम्मच के बराबर अजवाइन डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया, जीरा और मोटा कूटा हुआ मिर्च भुना हुआ था, इसे भी थोड़ा सा गर्म करके डाल दिया। अब इन सबको एक जार में डालकर मोटा कूट लेना है। अब इसे एक जार में डाल देना है। अब इसे फूड क्वालिटी जार में भर दें और एक साल तक खाएं। आम अगर मैच्योर होगा तो इसे आप 3 से 4 साल तक भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अगर इसके बाद भी तेल कम लगे तो उसी तरह से तेल गर्म कर लें, थोड़ा सा उसमें हींग डाल दें और फिर उसे मिला दें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे मैंने जार में रख दिया है और इसे 3-4 दिनों तक धूप लगाऊंगी और रोज़ ही एक बार इस तरह से उलट दूंगी तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे अचार चला जाएगा, सब में बराबर तेल मसाला और नमक मिल जाएगा। और उसके बाद इसे बढ़िया से ढक के और रख दीजिए सुरक्षित। ये बहुत ही टेस्टी अचार बना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन आता है उसे हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।